बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बफजल ताला हैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब और आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम्स। चैप्टर नंबर 5 में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम का। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा और इन्फॉर्मेशन और डाटा के टाइप्स डिस्कस की थी, जबकि आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि हमारे कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ नंबर सिस्टम्स होते हैं कि कंप्यूटर उनको रिप्रेजेंट कैसे करता है। वो नंबर को सिस्टम कौन कौन से हैं, तो चार हमारे पास नंबर सिस्टम की टाइप्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़नी है और इन्हीं के ऊपर सारी बात होगी। तो इन नंबर्स की समझ आएगी तो फिर अगले लेक्चर्स की समझ आएगी, ठीक है। तो आसान सा टॉपिक है ये कि सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में, सबसे पहला जो नंबर आता है वो है बाइनरी नंबर। स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें सिर्फ ज़ीरो और वन शामिल है, जैसे हमने मशीन लैंग्वेज पढ़ी थी। यानी कि ये वो नंबर सिस्टम की टाइप है जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है। कंप्यूटर सिर्फ ज़ीरो और वन को समझता है। इसमें सिर्फ दो नंबर होते हैं, ज़ीरो और वन, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होता और कोई भी डाटा इसके अंदर शामिल नहीं होता। तो बाइनरी नंबर जो है उसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट्स सपोज 0100 या 1011। और याद रखिएगा बाइनरी नंबर की जो बेस है वो होती है 2। बाइनरी नंबर की बेस 2 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो नंबर्स हैं, दो डिजिट्स हैं, इस वजह से इसकी बेस 2 है। तो जब भी हम बाइनरी नंबर लिखा करेंगे तो उसके साथ नीचे ब्रैकेट में बेस लिखेंगे, ठीक है, जिससे ये पता लगेगा कि ये नंबर कौन सा है, बाइनरी नंबर है। हमें बेस देख के पता लगता है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो कौन सा नंबर सिस्टम की टाइप है, तो इसीलिए बेस लिखना यहाँ पर ज़रूरी है इस चैप्टर में। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारे पास नंबर सिस्टम में टाइप है वो है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर स्टूडेंट्स ऐसा नंबर होता है जिसमें 0 से 9 तक तमाम नंबर्स शामिल हैं। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था 0 to 9 का मतलब ये है कि इसमें तमाम नंबर्स आए हैं, दुनिया के सारे नंबर इसमें शामिल हैं, ठीक है। 0 से 9 का मतलब ये नहीं है कि इसमें 10 या 11 शामिल नहीं है, बाकी नंबर्स नहीं हैं। जैसे हमारे कैलकुलेटर्स पर 0 to 9 नंबर होते हैं लेकिन हम हर नंबर उस पर लिख सकते हैं, इसी तरह से 0 से 9 से मुराद ही है। तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 है, ठीक है, 39 है, 92 है, 19, ये इस तरह से कुछ नंबर्स हैं जो हमारे पास डेसिमल होते हैं। तो इसकी बेस क्या होगी, इसकी बेस क्या थी, 2। क्यों, क्योंकि इसके दो नंबर थे, कौन कौन से, 0 और 1। तो फिर डेसिमल के अंदर कितने नंबर हैं, 0 to 9, तो 0 to 9 कितने नंबर बनते हैं, टोटल 10 बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी बेस क्या होगी हमारे पास, बेस होगी 10। तो जब भी हम डेसिमल नंबर लिखा करेंगे तो उसके साथ हम उसकी बेस लगाएंगे जो होगी 10, ठीक है, इनकी भी बेस 10, जिससे ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि नंबर कौन सा है, डेसिमल है, बाइनरी है, हेक्सा है या ऑक्टल नंबर है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास टाइप है नंबर की वो है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें डिजिट्स होते हैं 0 to 7। इसमें 8 और 9, ये दो हिंदसे, ये दो डिजिट्स शामिल नहीं हैं, बाकी सारे नंबर इसमें आ सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी 27, 66, 52, 12 एट्सेट्रा। तो इसमें 8 और 9 ये वाला डिजिट शामिल नहीं है। अगर आपको कहीं पे ऐसा नंबर लिखा है जहाँ पे 8 और 9 लिखा हुआ है, उसके अंदर 8, 9 शामिल है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ये 9 है इसके अंदर, ठीक है, इसमें भी 9 शामिल है, इसमें भी 9 शामिल है, तो उसकी कभी भी बेस 8 नहीं लगी होगी, क्योंकि ऑक्टल की जो बेस है वो क्या बनती है, फिर 8 बनती है। क्यों, क्योंकि ऑक्टल में कितने डिजिट्स आ गए, 0 to 7 8 बनते हैं, 1 to 7 नहीं है, 0 to 7 है। तो चूंकि 0 to 7 तो इसकी बेस क्या बनेगी, 8। तो याद रखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी बेस तो 8 है लेकिन इसमें 8 और 9 का जो डिजिट है वो शामिल नहीं होता, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। तो जब भी हम लिखेंगे ऑक्टल नंबर तो उसकी बेस हम 8 लगाया करेंगे, जिसे पता लगेगा आपको कि ये एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर ऐसा नंबर है जिसमें 0 to
F नंबर होते हैं। अब 0 टू F का क्या मतलब है? 0 टू F का मतलब है कि इसमें 0 से 9 तक तो वैसे ही नंबर्स हैं जैसे डेसिमल में होते हैं, लेकिन इसमें जब 10 आ जाता है तो 10 की जगह पे हम लिखते हैं A, ठीक है। 11 आ जाता है तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं B, 12 आ जाता है तो उसकी जगह पे हम C लिखते हैं, और 13 आ जाता है तो उसकी जगह लिखते हैं हम D, 14 की जगह पे हम लिखते हैं E, और 15 की जगह पे F। इसका मतलब है कि इसमें 0 टू F, यानी कि इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो 0 टू 15 बनते हैं ये नंबर हमारे पास, 0 टू 15 है, लेकिन चूंकि इसको 15 लिखते नहीं है हेक्साडेसिमल में, अगर हेक्साडेसिमल हमने लिखा हुआ नंबर उसमें 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12, 13, 14 और 15 यहाँ तक, ये जो हमारे पास 6 नंबर्स हैं ये आ जाएँ, तो फिर इनकी जगह पे हम अल्फ़ाबेट्स लगा देते हैं। 10 की जगह पे ए लिखते हैं, 11 की जगह पे बी लिखते हैं, 12 की जगह पे हम सी से रिप्लेस करते हैं 12 को, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को एफ़ से रिप्लेस करते हैं। और इसकी बेस क्या होगी फिर? क्योंकि ये 0 से 15 तक है तो इसकी हमारे पास बेस बनेगी 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर जो है उसकी बेस क्या है? 16, क्योंकि इसमें 0 टू 15 नंबर्स हैं। तो 0 टू 15 का क्या मतलब हुआ कि इसके टोटल 16 नंबर्स बनते हैं, 0 भी चूंकि शामिल है, लेकिन इसमें 10 टू 15 हम ऐसे नहीं लिखते बल्कि उनकी जगह अल्फ़ाबेट से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे नंबर सिस्टम की चार टाइप्स हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बाइनरी नंबर देखा, उसके बाद हमने डेसिमल नंबर देखा, फिर हमने ऑक्टल नंबर पढ़ा, और उसके बाद लास्ट पे हमने हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ा। हर नंबर की अपनी अपनी बेस है और वो बेस डिपेंड करती है कि कितने उसके अंदर डिजिट शामिल है। बाइनरी में 2 थे तो 2 बेस, डेसिमल में 10 थे तो 10 बेस, ऑक्टल में 8 थे तो 8 बेस, और हेक्सा में 16 है तो इस वजह से उसकी 16 बेस होगी। अब आगे इस पूरे चैप्टर में हमने इन्हीं नंबर से रिलेटेड काम करना है। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो जो है कन्वर्जन के हवाले से है। कन्वर्जन से मुराद ये है कि हमने जितने यहाँ पे नंबर पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, इन चारों नंबर्स को हमने आपस में कन्वर्ट करना सीखना है कि बाइनरी अगर नंबर हमें दिया होगा तो उससे हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल दिया होगा तो ऑक्टल में कैसे करना है, ऑक्टल दिया होगा तो बाइनरी में कैसे करना है। तमाम नंबर्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करके हमने सोल्व करना सीखना है, और ये क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।